वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। जो अभी तक हमने लास्ट में डिस्कस किया, जो ग्रेन्स की क्रॉप्स थी, हमने उनके बारे में डिस्कस किया है। तो अभी ग्रेन्स के अलावा जो जो क्रॉप्स हैं वो कौन सी फसलें ऐसी। पहली है शुगर केन आपकी। तो शुगर केन के अंदर ये आपकी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि जो आपके ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वाले रीजन है और सब ट्रॉपिकल उसके आसपास का जो इलाका है। तो ये कहाँ, एक तो हॉट और ह्यूमिड, गर्म और नमी से भरा जो आपका क्लाइमेट होगा, और टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होगा। एनुअल जो आपका रेनफॉल, बारिश जो है 75 से 100 सेंटीमीटर होगी, वहां पर ये आपके बढ़िया ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है वैरायटी ऑफ सोयल्स में जो है ग्रो कर सकते हैं, बट ब्लैक सोयल इसके लिए जो काफी सुटेबल माना जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे नॉर्मली सभी सोयल में ग्रो कर जाते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल्स में। और इसके लिए जो है इनको मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। इसको चाहे हम बोने से लेकर इसके काटने तक, जो है बुआई से लेकर कटाई तक, इसके अंदर आपको मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। और इंडिया जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन के मामले में, ठीक है। आप ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे आता है। शुगर केन जो है आपका मेन सोर्स किस चीज का है, शुगर, चीनी और गुड़, जो आपका जैगरी गुड़ होता है, खांसारी और मोलसिस, इनका जो है मेन सोर्स है आपका ये शुगर केन। और मेजर शुगर केन जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर मेनली इनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है आपकी ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स के अंदर जो आपके डिफरेंट टाइप्स के जो हैं ऑयल सीड्स जो हैं यहाँ पे ग्रो की जाती हैं, कवरिंग अराउंड 12% टोटल क्रॉप एरिया का। 12% एरिया जो है आपके इंडिया के अंदर जो है ऑयल सीड्स लेती हैं। तो मेन ऑयल सीड जो इंडिया के अंदर ग्रो करती हैं कौन सी है, ग्राउंड नट, ठीक है। ग्राउंड नट जो है आपकी खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ क्रॉप है जो हमने डिस्कस किया था, खरीफ और रबी। और हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स जो है इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो मेजर ऑयल सीड्स हैं, जो ऑयल के लिए जिन सीड से ऑयल निकाला जाता है, तो हाफ जो उनमें से मेजर है वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। गुजरात जो है ग्राउंड नट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर, ठीक है। गुजरात ग्राउंड नट्स, जो आपकी ग्राउंड नट्स मूंगफली जो होती है, मस्टर्ड जो है आपकी रबी क्रॉप है, और सेसमम जो है तिल जिसको बोलते हैं सेसमम, ये खरीफ क्रॉप है और नॉर्थ में उगाई जाती है इंडिया के अंदर। खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया। और कस्तूर सीड्स जो है आपकी, बहुत रबी और खरीफ जो है उसमें उगाए जाते हैं, रबी और खरीफ में दोनों उसमें। और जो लिंसिड है वो आपकी रबी क्रॉप है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी इसमें ग्रो की जा रही है। इसके अलावा जैसे कि आपकी कुछ क्रॉप्स और हैं जो ऑयल सीड्स हैं, कोकोनट है, सोयाबीन है, कॉटन सीड्स हैं, सनफ्लावर है, ये भी कुछ ऐसी सीड्स हैं आपकी जो इसके अलावा ग्रो की जा रही हैं आपकी ऑयल सीड्स के अलावा, ठीक है। तो फ्रूट ग्रेन्स के अलावा क्या हुआ, शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, और फिर आपके टी एंड कॉफी। तो टी जो है, चाय आपका बहुत ज्यादा जो है इंडिया के अंदर पिए जाने वाला जो है तरल पदार्थ है, जो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, आपका ब्रिटिश जो आए थे, ब्रिटिशर्स जो आए थे, उन्होंने इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था टी को। इसका जो टी के प्लांट है वो आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन सोयल होती है, जो रिच होती है किसमें, उसके अंदर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो टी जो है, टी की जो झाड़ियां होती हैं उनको वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है सारा साल, यानी कि गर्म और नमी से मॉइस्चर से भरा हुआ, लेकिन बर्फ वहां पर जो है नहीं गिरनी चाहिए, जो पाला गिरता है पाले से फ्री होना चाहिए वो एनवायरमेंट, तभी वहां पर बढ़िया ग्रो करते हैं। और चाय भी आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि यहाँ पर आप मशीनरी ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें ज्यादा। मेजर जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर आपके कौन कौन से हैं, असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है जो आपका, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है और केरल। तो ये जो है मेनली एरियाज हैं जहाँ पर टी का बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोडक्शन होता है। कॉफी है फिर आपकी, यमन जो कॉफी है आपके इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, ये वैरायटी जो है आपकी बहुत ज्यादा डिमांड में है पूरे वर्ल्ड के अंदर।
इसकी जो कल्टीवेशन है वो बाबा बुदान हिल्स जो है आपकी, ठीक है, वहां पर जो इंट्रोड्यूस की गई थी बाबा बुदान हिल्स के अंदर इंडिया में। और ये अब जो कन्फाइंड है कौन से एरियाज में, नीलगिरी जो कर्नाटका के अंदर है वहां पर, केरला और तमिलनाडु तक ये सीमित है मेनली, कि भी मेनली वहीं पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है कॉफी। तो ये कुछ क्रॉप्स थी आपकी जो अदर देन फूड ग्रेन्स थी। इसके अलावा आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में, और कुछ जो पॉइंट्स रह जाते हैं इस चैप्टर के बारे में वो पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।